आज का वीडियो गाला निकालने के ऊपर है। जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप चीज बड़े ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको गाना निकालना बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको बहुत कम समय लगेगा, आप कोई भी गाना बजा पाएंगे। देखिए, हमेशा पता है हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको वो गलती बताता हूँ। जैसे मान चलो आपने कोई गाना सीखा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने धड़कन मूवी से गाना सीखा तुम दिल की धड़कन है, आप लोग पता क्या करेंगे, उस गाने को पहली काली से बजाने की कोशिश करेंगे। पहली काली से क्यों बजाने की कोशिश करते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ से आपको पता है ये मेरा सा है, ये रे गा मा शुद्ध पा धा नी ता सब तक सारे सुर आपको पता होते हैं। लेकिन जब वो गाने को बजाने की बारी आती तो अब आपकी आवाज उसके साथ मैच नहीं करती। क्योंकि क्यों नहीं मैच करती, उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि ओरिजिनली आपका स्केल कुछ और होता है, और लेकिन आप उसको जबरदस्ती एक कॉम्प्रोमाइज करके आप उसको पहली गाली से बजाना की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से अपने ओरिजिनल स्केल आपको पता नहीं है, और प्लस आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब कि आप समझौता कर रहे हैं कि मेरे को कहीं और से बजाना है तो चलो मैं एटलीस्ट पहली गाली से गा लेता हूं और पहली गाली से बजा लेता हूं। लेकिन वही चीज गलती है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप जो भी गाना पकड़ते हैं, जैसे मैं मान के लिए यहाँ पे गाना पकड़ लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी स्केल रखा, जैसे सपोज कर मैं तीसरी कर लेता हूँ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अभी मेन चीज मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मैंने जो तीसरी गाली से रखा है मेरे लिए सही है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। अगर आपको गाने का अंतरा एकदम स्थायी और अंतरा एकदम जिस जो भी स्केल हमने तीसरी कर रखा था, आप उसको कंफर्टेबली गा सकते हो, दैट मीन दैट स्केल इज ओके फॉर यू। जैसे मैंने तीसरी कर लिया तो मैं तीसरी कल से कंफर्टेबली गा सकता हूँ, दैट मीन दिस स्केल इज ओके फॉर मी। अगर मेरे को दिक्कत आ रही तो मैं क्या करूँगा, स्केल चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे तुम दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में, तो ये स्केल मेरे लिए ज्यादा कंफर्ट हो तो मैं ये स्केल रखूंगा। हमेशा पहले स्केल पहचानिए। अभी आपको पता नहीं, फिर ये भी पता होना चाहिए कि गाना मेरा मेजर स्केल में कि माइनर में। जैसे ये गाना मेरा मेजर स्केल में है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान चलो आपको गाना आप क्या करिए, पहली काली से शुरू करिए, आप पहले सारे मेजर कोड लागू कीजिए। जैसे इसमें गाना मेजर में लगा के देखिए, अगर गाया जा रहा है फिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर माइनर चेक करिए। आप मेजर माइनर कोड लगा के चेक करिए या पहचानिए कि गाना मेरा कौन से स्केल में आ रहा है, मेजर स्केल में आ रहा है कि माइनर में आ रहा है। फिर आप एक एक स्केल पे शिफ्ट करते जाओ, यहाँ पे गा के देखिए, मेन स्थाई और अंतरा की एक एक लाइन गा के देखिए, तो आपको पता चले कि मेरे लिए कौन सा स्केल कम्फर्ट। जैसे मान जी ने मेरे लिए स्केल कम्फर्टेबल है तीसरी काली, तो अभी मेरे को गाना तीसरी काली से ही निकालना है। तीसरी काली से निकालने के लिए क्या है कि मेरे को पूरा गाना याद होना, जैसे तब जाके फिर उसको आवाज की पीछे बोली, जैसे ऐसे चलना पड़ेगा। आप ओरिजिनल स्केल से ही गाना निकालिए, जिस स्केल पे आप गा सकते हो। जब तक ये चीज आपको नहीं आएगा, आप किसी भी बंदे के पीछे नहीं बजा पाएंगे या फिर किसी भी सिंगर के स्केल को पकड़ नहीं पाएंगे। सो कोशिश करिए कि पहली काली का जो आपको प्यार है, जो मोह है आपके अंदर कि मैं पहली काली से बजा लेता हूँ, उस मोह को निकालिए, आप उस प्यार को अपने दिल से निकालिए और अपने ओरिजिनल स्केल खोजने की कोशिश करिए। जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी ना, आपको अपने आप गाना निकालना चाहिए। लेकिन क्या कि हम लोग अपन उसी चीज़ को लकीर के फकीर बन गए कि मैं पहली काली से बजा सकता, पहली काली को चिपके हुए हैं। हालांकि वो स्केल पे आप कंफर्टेबली गा भी नहीं सकते, सारे गाने आपके पहली काली से ही मैच करेंगे। देखो, हर एक आदमी के अलग अलग स्केल होते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपने मैंने एक प्यार का नगमा यहाँ से इजिली गा दिया तो मैं तुम दिल की धड़कन भी यहीं से गा पाऊंगा, नहीं। उसके लिए शायद मेरे को स्केल ये वाला नीचा पड़े और शायद मेरे लिए ये स्केल सही पड़े, है ना। हर एक गाने का अपना अपना स्केल होता है, और
हर एक आदमी का एक स्केल नहीं होता, कम से कम 2 या 3-4 स्केल होते हैं, मतलब कि गाने के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ गानों के लिए आपको ऊपर स्केल रखना पड़ता है, कुछ गानों के लिए नीचे रखना पड़ता है। जब तक आपको खुद के स्केल नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आपको ओरिजिनल गानों के स्केल नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आप ओरिजिनल गानों को पकड़ नहीं पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर आपने रिलेट किया। अगर आपको मेरी बताई चीज़ समझ में आती तो आप इसको इंप्लीमेंट करिए और फायदा आपको जरूर मिलेगा। सो धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं।